लगा, अगल बगल मोहल्ले के जैसे जैसे ही ये खबर फैलती गई हर जगह से लोग आने लगा। यहाँ पर बैठे इसलिए क्योंकि हम लोग को CAA, NRC और NPR के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए यहाँ धरने पे बैठे। और सबसे बड़ी चीज़ जो उस दिन हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल में जो RSS के गुंडे अपने मुंह में ग्लव बांध कर जाकर लड़कियों को मारे, ये देखकर हम लोग धरने में बैठे और प्रोटेस्ट लेकर बैठे कि अब हम लोग ये काला कानून को देश में किसी कीमत पर लागू नहीं देंगे। आज वो दिन है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है और वो विवेकानंद जिन्होंने औरतों को प्रण लेकर आई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनको मैं दिखाना चाहती हूँ कि उनकी पार्टी के उनकी सत्ता के दौरान सारी औरतें सारी बच्चियाँ सारे स्टूडेंट घर के बाहर निकल के खुले मैदान में इस ठंडे में, चाहे वो शाहीन बाग हो दिल्ली का या बाग सर्कस मैदान, लड़कियाँ बच्चे औरतें घर से निकल कर रास्ते में बैठ गई हैं, धरने पर बैठ गई हैं उनके कानून के खिलाफ जो लेकर आए हैं CAA, NRC और NPR के अगेंस्ट में। मैं ये बताना चाहती हूँ कि औरतें अपनी मांग को पूरा करना चाहती हैं और ये यहाँ तब तक बैठेंगी जब तक उनकी मांगें पूरा नहीं होंगी। अभी तक सरकार से हम लोगों को, हमारी स्टेट गवर्नमेंट से हम लोगों को कोई मदद नहीं मिली है। यहाँ हम उनसे लाइट के लिए बोल रहे हैं। हम लोग दिस इज़ अवर सेकंड इंडिपेंडेंस की लड़ाई हम लोग का है, ये लड़ाई सिटीजन्स का है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये लड़ाई के लिए लड़ने के लिए हम लोग आए हैं आज, क्योंकि ये जो देख रहे हैं हम हालत जे ये लोग एकदम पूरा सर्दी में बैठे हुए हैं। आई एम रियली अपॉइंट बिकॉज आई वॉन्ट द गवर्नमेंट टू हेल्प देम, एटलीस्ट ऊपर में तो कुछ छत लगा दें, ये करना चाहिए। जो बच्चे लोग भी हैं उनको तो कुछ ना कुछ करना चाहिए।